दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक सफ़रनामा। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह हम आज आपको फिर से लेके आ गए हैं लखनऊ की एक बेहतरीन सी जगह पर, जो कि है गोलगप्पे की शॉप। और कुछ खासियत है इसकी, तो चल के खुद ही देखते हैं कि क्या खासियत है। और उससे बात बताशे के नाम पर तो वैसे भी कोई भी हो उसके मुँह में पानी आ ही जाता है, और बताशे के शौकीन होते ही हैं सारे लोग। तो बताशे में भी अगर कुछ खासियत की बात हो तो क्यों ना देखा जाए कि क्या है वो खासियत। आइए देखते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के ओनर जो हैं मिस्टर अरशद, उनसे जानते हैं कि क्या खासियत है बताशों की। जैसे इनने थोड़ा हमको बताया कि 50 तरीके के फ्लेवर यहाँ पे मिल जाते हैं, और 30 रुपए के 5 पीस, और बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, और कब से ये ऐसे बताशे हम लोग को खिला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। हाय, कुछ बताइए। हम लोग यहाँ पर सर पिछले 5 साल से बेच रहे हैं इस स्टॉल पर। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही यूनिक है। हम लोग 50 तरह का टेस्ट खिलाते हैं, और सब जो है एक प्लेट में पूरा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल खट्टा मीठा तीखा। तो साठ जो हम लोग करते हैं नॉर्मल पानी से करते हैं, जो अभी तक आप लोग खाते आ रहे हैं। तो ये पहला टेस्ट पानी में। तो फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल पानी जो मैं पहला बताशा टेस्ट करने जा रही हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा है ये। कैसा लगा? तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है टेस्ट बता सकते? और काफ़ी चटपटा स्वाद है, और बताशे का एक प्रॉपर टेस्ट जो मुझे पसंद है, और साइज़ भी काफ़ी सही है। आप आराम से अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं उसको। और अब मैं नेक्स्ट बताशा टेस्ट करती हूँ, फिर बताती हूँ वो कैसा है। ये इस बार हींग वाला है, हींग का फ्लेवर। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं खा रही हूँ ये है हींग फ्लेवर। तो अब इससे मैं टेस्ट करती हूँ। तो इसलिए खिलाते हैं कि ये चीज़ आपको कभी भी नुकसान ना करे, कि बाजार का स्ट्रीट फूड है, खाया बीमार नहीं हुए। तो उसके लिए डाइजेस्टिव हर्बल जो है वो इसी फ्लेवर से होता है। ये कौन सा फ्लेवर है भैया? इस बार ये लहसुन प्याज की चटनी है, तो साथ में थोड़ा सा खट्टा है। ओके, तो ये है लहसुन प्याज की चटनी और थोड़ा सा खट्टा स्पाइस के साथ। तो चलिए, थर्ड बताशा मेरा ये है। फ्लेवर तो इतने दिखाई दे रहे हैं कि खाते खाते आप थक जाएंगे। अभी आ रहा है शेजवान चटनी, स्पाइसी, आग लगने वाली। तो फ्रेंड्स, आपने शेजवान नूडल्स सुने होंगे, शेजवान फ्राइड राइस सुने होंगे। आज मैं आपको दिखाती हूँ शेजवान बताशा। तो ये देखिए मेरा शेजवान बताशा, गोलगप्पा। फाइनली ये हमारे यहाँ का चॉकलेट वाला फ्लेवर। और जैसा कि कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये फाइनली मेरा चॉकलेट फ्लेवर का बताशा। आया मजा। ऐसा वसूल। तो फ्लेवर ऐसा है कि आप भूल नहीं पाएंगे। और कुछ स्पेशल बताशों की बात बता रहे थे आप, कुछ स्पेशल में है सर? स्पेशल में हम लोग डेजर्ट बनाते हैं, मीठा बताशा, जो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का पर पीस होता है। 100 वाले में क्या खासियत होती है ऐसी कि बताशा? नहीं सर, केक हो जाता है। केक हो जाता है, लाइक केक। अच्छा, देखेंगे तो आप पहले फोटो खींचेंगे, बाद में खाएंगे बताशा है कि केक। तो उसको देख के खाने का मन ही नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा सब खूबसूरत, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। बस ये है, इसलिए हम लोग उसको पैक नहीं कर पाते हैं। 5 से 10 सेकंड में वो मेल्ट हो जाएगा। अगर पेस्ट्री टाइप हो तो हम उसको सजा के शोकेस में रख लें कि भाई आया कस्टमर, दे दिया निकाल के। वो चीज़ नहीं, वो तो तुरंत बनाएंगे, तुरंत आप तुरंत खा लीजिए। और 5 सेकंड का टाइम हुआ तो फिर फायर बताशा है सर अपने पास। और इसके अलावा क्या क्या आप इसी में फ्लेवर्स होते हैं? जैसे अगर आपको मिर्ची पसंद है तो वहाँ पर डिफरेंट मिर्चियाँ हैं। विनेगर मिर्च है, फिर फ्रूट बियर वाली मिर्ची है, बटर वाली मिर्ची है, और नारियल की चटनी वाली मिर्ची है, येलो मिर्ची आती है वो है, वाइट मिर्ची आती है वो है, हर तरह की मिर्ची जितनी भी आती है। खट्टा पसंद है तो लेमन वाला खट्टा है, इमली वाला है, करौंदे वाला है, आम वाला है, कमरस वाला है। नॉर्मल जो फ्लेवर होते हैं, जीरे वाला होता है, सौंफ वाला होता है, पुदीने वाला होता है, ये नॉर्मल फ्लेवर है। अदरक वाला चाहिए तो अदरक का भी फ्लेवर होता है कि लोग खाते हैं कहते हैं गला ख़राब हो गया, तो हम लोग इसलिए हाइजीनिक रखते हैं ताकि ये सीन ना हो। प्लस जो भी हमारा है सब पॉजिटिव और सब नेचुरल है, कुछ भी हम लोग केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते। कल के दिन आप जब भी खाने आते हैं तो आपको श्योर है कि आपको हाइजीनिक मिलने वाला है।
और बताशों के अलावा चाट में क्या क्या है आपके, कैसा स्पेशलिटी? देसी घी की चाट होती है, आलू टिक्की है, आलू टिक्की के अलावा बटर पापड़ी चाट, खस्ता, सोहाल, सारा ही कॉम्बिनेशन और सारी वैरायटी है। क्या रेट होते हैं उसके चाट के? 50 चाट पर प्लेट है। 50 रुपीज़ सिंगल ये आलू चाट? आलू टिक्की डबल टिक्की होती है 50 का, सिंगल पीस का 30 का। अच्छा, और पापड़ी चाट कैसे मतलब बनती है? 50 का ही होता, मटर के साथ में बनती है। अच्छा, मटर के साथ होती है वो। चलिए फिर हम ट्राई करते हैं, अब चाट खाएंगे अर्पिता जी। तो फ्रेंड्स, आप हैं खट्टे मीठे या तीखे के शौकीन, यहाँ पे हैं आपके लिए सारे फ्लेवर्स अवेलेबल। और ख़ासकर चाट और बताशे की बात हो तो फ्लेवर्स यहाँ पर इतने हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तो अभी मैंने टेस्ट किया है एक तरीके के बताशे और देखते हैं हम आगे और क्या टेस्ट करते हैं। बाकी जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनका बताशे जो है वो एक तो बहुत हाइजीनिक होते हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स में होते हैं, जैसे हींग, जीरा, जिससे वो आपको डाइजेस्टिव में सिस्टम में हेल्प करते हैं और नुकसान नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अब हमारा तैयार होने जा रहा है डिजर्ट बताशा। तो क्या आप तैयार है देखने के लिए कि कैसा होगा ये बताशा? आपने शायद ही देखा होगा और जिन्होंने देखा है तो वो तो वाकिफ ही होंगे कि कितना डिलीशियस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तैयार होके मेरे पास आ गया है डिज़र्ट बताशा और इसमें इतने सारे चीज़ों के फ्लेवर हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, वो तो ये भैया कोई अच्छे से पता है, बट जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें जेली है, आइसक्रीम है और ऊपर से ये मायोनीज़ जैसा भी कुछ दिख रहा है, साथ में चॉकलेट है और मेरी फेवरेट, बच्चों की फेवरेट चेरी है इसमें ऊपर से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, तो अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ और आप करिए वीडियो में टेस्ट कि किस तरीके का बताशा होगा ये। अभी जो मैंने खाया है फर्स्ट बाइट में तो मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे दूध की बर्फी होती ना वैसा टेस्ट आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम का साथ में। तो ये बताशा अपने आप में काफ़ी हैवी है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पानी ऐसे रुक रुक के क्यों पी रही हूँ बताशे का। एक्चुअली इसकी एक खासियत है, इस बताशे के पानी को अगर आप एक बार पियेंगे और फिर थोड़ा सा रुक करके दोबारा फिर पियेंगे तो आपको दोनों बार में अलग अलग टेस्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले एक सिप पिया, फिर वेट करके फिर दोबारा सिप पिया है और वाकई में टेस्ट में डिफरेंस है। तो ये बहुत सारी खासियतों के साथ दिए हैं हमारे बताशे। तो ये फ्रेंड्स मिल गई है हमको चाट और ये है मिक्स चाट, मतलब ये एक होती है पापड़ी चाट, एक होती है मटर चाट, एक होती है आलू चाट। ये काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके जैसे इनके बताशे हैं उसी तरह से चाट भी एक ये मिक्स चाट बनती है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। तो अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इसे टेस्ट करने के लिए, तो अब चलिए टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मोमो और इस मोमोज की खासियत ये है कि इसमें मीठी चटनी, मायोनीज और साथ में ये ऊपर से कुछ मसाला वगैरह भी इन्होंने डाला हुआ है। और जैसा कि बता रहे हैं अभी ये इतने सारे घर के मसाले इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। तो मोमोज तो वैसे मैं शौकीन हूँ मोमोज की, मैं खाती हूँ मिर्ची मोमोज और बहुत सारे मैंने अलग अलग ब्रांड ट्राई किए हैं। अब आज इनका ये मोमो ट्राई करके फिर देखती हूँ कैसा है। और बहुत गर्म है ये, एकदम बिल्कुल जल रहे हैं हाथ मेरे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी चीज़ ट्राई कर ली, सब चीज़ बहुत बेहतरीन थी, जैसे बताशे, आलू चाट, उसके साथ पापड़ी भी थी और हमने मोमो भी ट्राई किया, सब कुछ काफ़ी बेहतरीन है। तो आप भी अगर लखनऊ में हैं या बाहर से कहीं लखनऊ आए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ का एड्रेस बिल्कुल ईजी है, जैसे कपूरथला चौराहे पर आप पहुँचेंगे वहाँ से बिल्कुल नियर में वॉकिंग डिस्टेंस है,
और आर्चीज गैलरी पड़ती है, बिल्कुल वहीं पे अरशद भाई आपको मिल जाएंगे अपने बताशे हो और चाट के साथ एक अलग से फ्लेवर में। और एक और खासियत है यहाँ की, अच्छी बात है जो कि अगर आपको मिर्च नहीं पसंद है, तीखा पसंद है या नहीं पसंद है, जो भी आप जिस तरीके से भी आपको बनवाना है वैसे आपको बना के देंगे आपके हिसाब से। तो ज़रूर आइए, ज़रूर खाइए और आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी बेहतरीन जगह के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।